सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कई हस्तियों की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। अब मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उनके माता पिता से पूछा जाए, क्या वो सनातन नहीं थे? उनके दादा परदादा सनातन नहीं थे? अगर सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलाद ही कहलाएंगे। दादा परदादा सनातन नहीं थे? अगर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलाद ही कहलाएंगे। ये तो अलग बात है, धर्म के साथ में राजनीति शुरू से रही है और राजनीति के अंतर्गत धर्म पहले से रहा है। पूज्य दशरथ जी महाराज जी हों, चाहे वो जनक जी महाराज जी हों या विक्रमादित्य जी महाराज जी हों, जो भी रहे हुए हैं उनके साथ में धर्म गुरु पहले से बैठते हुए हैं जो अपना मार्गदर्शन करते रहे। राजनीति में धर्म अपना मार्गदर्शन थोड़ा थोड़ा देता रहा है, पर पूर्ण तरह से धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए ना राजनीति के अंदर। एमपी के छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के आमंत्रण पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण करने पहुंचे हैं। यह कथा 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी। सनातन धर्म पर हो रहे लगातार वार में अब डीएमके के और एक नेता शामिल हो चुके हैं। पहले आपको ये बता दें कि डीएमके INDI अलायंस का हिस्सा है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, यह कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। ए राजा ने कहा कि उदयनिधि ने बहुत नरमी से बयान दिया था, मैं तो और सख्त लहजे में बात करूंगा। अगर सनातन के बारे में बोलने के लिए आपके पास कोई है तो दिल्ली में जहां बुलाओ ए राजा आने के लिए तैयार है, पर मैं बात करूंगा तो सिर्फ इंग्लिश में, और वो अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इन्हीं सब से खुद को बिल्कुल किनारा करते हुए INDI अलायंस में शामिल कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, हम स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ नहीं हैं। कांग्रेस का हर धर्म और सोच को साथ लेकर चलने का इतिहास रहा है। हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, पर हम आपको ये बता दें कि INDI अलायंस के ही और एक हिस्सेदार बिहार के RJD के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा। जगदानंद सिंह ने अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह सीधे सीधे सपोर्ट तो नहीं किया है, लेकिन RSS और BJP को निशाना बनाकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर की है। हालांकि जिस तरीके से वो सनातन धर्म के मुद्दे पर विवाद को समझा रहे हैं, पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल वही है। RJD के ही एक कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया कि तिलक लगाने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।